हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपसे कोई भी न्यू अपडेट मिस ना हो। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यार कैसे आप Redmi नोट 5 प्रो बुक कर सकते हैं। आज की सेल क्यों रहेगी खास और क्या रहेगा इसमें रीज़न कि ये सेल खास होने का, तो मैं इसे बताऊंगा आज इस पूरी वीडियो में। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार आज कैसे बुक करेंगे और कितने क्वांटिटी में फ़ोन आएंगे, कितना आएगा फ़ोन स्टॉक में और कितनी जल्दी ख़त्म हो जाए, कितने बजे स्टार्ट होगा बुकिंग। तो यार ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा और बुकिंग के कुछ टिप्स दूंगा कि आज आप अपना फ़ोन बुक कर ही लेंगे जिन्होंने अभी तक फ़ोन बुक नहीं किया है। तो गाइस इस वीडियो को पूरी देखना प्लीज़। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने आपको यार पिछली बहुत सारी वीडियो में बताया है कि यार एक्सटेंशन का जो यूज़ करना है वो कैसे यूज़ करना है और कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करना है। तो गाइस मैं आपको बता दूं यार, जो एक्सटेंशन यूज़ करना है इस बार वो करना है फ्लिप शॉपी। जी हाँ दोस्तों, फ्लिप शॉपी, क्योंकि प्राइस ट्रैकर एक्चुअली बहुत से लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत क्या आ रही है कि वो बुक हो नहीं पा रहा, क्योंकि यार ट्रैफिक जो है वो प्राइस ट्रैकर की तरफ ही जा रहा है सारा का सारा। तो कोशिश ये करो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटेंशन यूज़ करो और ट्रैफिक को थोड़ा डाइवर्ट करो यार। तो अभी मेरे हिसाब से जो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा कम है वो है फ्लिप शॉपी पे। जी हाँ दोस्तों, फ्लिप शॉपी ऐसा अभी तक ऐसा एक्सटेंशन है जो कि लोग बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसमें मैं बता दूँ यार, जो आज प्रोडक्ट आएगा टोटल सारे के सारे कलर वेरियंट मिला के वो होगा 10,000। जी हाँ दोस्तों, 10,000 सिर्फ प्रोडक्ट आ रहे हैं रेडमी नोट 5 प्रो के, जितने भी प्रोडक्ट हैं सिर्फ रेडमी नोट 5 प्रो की बात कर रहा हूँ, सिर्फ वो फ़ोन जो इतने भी स्टॉक में आएंगे टोटल ब्लैक गोल्ड रोज़ गोल्ड और लेक ब्लू मिला के 10,000 प्रोडक्ट आ रहे हैं सिर्फ यार। 10,000 मतलब बहुत कम है मानता हूँ, लेकिन इतने ही आ रहे हैं यार, क्या करूँ। तो 10,000 प्रोडक्ट में से आपको ख़रीदने वाले होंगे करीब 2.5-3 मिलियन लोग, मतलब तो किस्मत वाले लोगों को ही मिलेंगे वो 10,00,000 प्रोडक्ट। तो गाइस अब मैं इसमें बता दूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले कि यार आप लोग जब भी मतलब प्रोडक्ट को बुक करने जाते हैं तो यार कोशिश करते हैं एक्सटेंशन का इस्तेमाल करने का। तो यार जो एक्सटेंशन आप फ्लिप शॉपी, जैसे कि यहाँ पर है, आप देखेंगे कि मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो यार इस पर आपको सिंपली जो भी प्रोडक्ट खरीदना है उसके आगे टिक करना होता है, बाकी वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते तो जब आप Redmi Note 5 Pro जो भी वेरिएंट चाहिए आप उधर आ जाओगे तो यहाँ पर क्लिक फॉर फ्लिप शॉपी ऑटो बाय आएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, तो आप जैसे ही ये सेलिंग पे आएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर ग्रीन होने के बाद ये आप ऑटोमेटिकली आपके कार्ट पे लेके चले जाएगा, कार्ट पे ले जाने के बाद आप इजीली बुक कर पाएंगे। तो यार गाइस लेकिन और भी दिक्कतें क्या आती हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यार एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना ताकि एक फ्रेश ईमेल आईडी हो, ताकि आप बुक कर सके, आपको कोई एरर मैसेज फ्लिपकार्ट की तरफ से शो ना हो। तो मैंने गाइस बहुत से लोगों का कमेंट पढ़ा था कि यार नहीं तुम चूतिया बना रहे हो, ये कर रहे हो। यार चूतिया बनाने वाली बात नहीं है, जब फ्लिपकार्ट एक आईपी एड्रेस बार बार रजिस्टर्ड करता है तो दिक्कत क्या आती है कि यार वो देख रहा होता है कि यार बार बार इसी आईपी एड्रेस इसी ईमेल आईडी से बुक हो रहा है या इसी मोबाइल नंबर से बुक हो रहा है, या जब आप वहाँ पर डिलीवरी एड्रेस डालते हो जहाँ पर आपको डिलीवर करवाना है प्रोडक्ट, जब वो बार बार सेम निकलता है तो उन्हें डाउट होता है कहीं ये ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही। भला कि फ्लिपकार्ट खुद ही ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, क्योंकि फ़ोन के स्टॉक में कुछ और आते हैं वो उतने बेचते ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली वो जो शॉपकीपर होते हैं उनसे एक्स्ट्रा मार्जिन पर वो सेट करके रखते हैं। तो गाइज ये बात बहुत ही बाहर निकल के आ रही है कि यार क्यों मतलब नई आईडी बनानी है। तो नई आईडी का रीज़न ही यही है कि गाइज आप बार बार अगर अपनी पुरानी ईमेल आईडी या पुराना नंबर पुराने अकाउंट से बुक करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा यार, वही आपको फ्रेश आईडी बनानी पड़ेगी ताकि आपको सब कुछ फ्रेश करना पड़े। तो गाइज यहाँ पर मैं अपनी एक ईमेल आईडी जो है लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ अगला स्टेप कि आपको क्या करना है। तो जैसा कि मैंने ये लॉगिन कर लिया है, तो फाइनली अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये गाइज मैंने लॉगिन कर लिया है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर जाना है और माय प्रोफाइल। तो यार गाइज आपको पता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गिफ्ट कार्ड का यूज़ कर लेना ताकि बहुत आसानी हो जाएगी आपको बुक करने के लिए। तो यार लोगों ने बोला कि गिफ्ट कार्ड कैसे करूँ, तो गाइज आज मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आऊँगा, गिफ्ट कार्ड के थ्रू बुकिंग करके दिखाऊंगा कि लाइव कैसे गिफ्ट कार्ड के थ्रू बुकिंग करूंगा, इंस्टाग्राम पे आऊंगा। तो लिंक जो है आपकी स्क्रीन पे भी चल रही होगी, डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगी। तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसे बुक कर सकते हैं, और मैं गारंटी कह रहा हूँ कि मैं आपके सामने बुक करके जरूर दिखाऊंगा। तो गाइज इसके बाद अगर आप कार्ड से बुक करना चाहते हो तो यार यहाँ पर आप अपना कार्ड जरूर ऐड कर ले पहले से ही,
ताकि बाद में आपको सिर्फ सीवीवी नंबर की जरूरत पड़े। तो गाइज बहुत से लोगों की क्वेरी ये थी कि ब्रो मैंने कार्ड सेव कर लिया, मान लो मैंने कार्ड सेव कर लिया उसके बाद मेरे पास ओटीपी आएगा ले, तो मैं क्या करूँ, मेरा अगर ओटीपी डालते डालते मेरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो। गाइज अगर आप पेमेंट की पेज तक पहुँच गए, मतलब यानी कि आपने सीवीवी नंबर डाल दिया, उसके बाद आपका कन्फर्म है कि वो फ़ोन आपका है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये फ़ोन आपका ही हो जाएगा जब आपने सीवीवी नंबर डाल दिया। आप पेमेंट की पेज में यानी कि जो आपके बैंक की वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप ओटीपी जब डाल रहे होते, अगर वहाँ तक पहुँच गए तो ये कन्फर्मली है कि आपका ही हो गया है वो फ़ोन। तो ये डरने वाली बात नहीं है कि यार मैं ओटीपी डालने में क्या झंझट होगी ये वो, तो इस बात की टेंशन मत लीजिए कि ओटीपी डालने के बाद क्या मेरे पास फ़ोन आएगा या नहीं आएगा। अगर आप पेमेंट की साइट पे पहुंच गए, सीवीवी नंबर तक की टेंशन होती है, गाइस सीवीवी नंबर डालने के बाद आपको आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है, आप वहां पर टेंशन से फ्री हो गए। तो इतना ही करना है गाइस, आपको आपका फ़ोन ज़रूर बुक होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आज 12 बजे से पहले सारी क्वेरी पूरी कर लीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।